हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी बना रही हूँ। ये जामुन के शरबत। इस टाइम जामुन मिलते हैं बाजार में अवेलेबल। ये फायदे होते हैं, सेहत के लिए ठीक होता है। ये आप कभी भी बना के पी सकते हैं। ये डायबिटीज़ के लिए अच्छे होते हैं। इसके छिलके भी खा सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। और इसके जो गुठली होते हैं, ये इसको भी आप सुखा के धूप में पाउडर करके बना के इसको पानी के साथ मिला के खा सकते हैं। ये अच्छे होते हैं सेहत के लिए भी। अभी चलिए हम इसको बनाने शुरू करते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो काला जामुन ले लिया है। इसके साथ मुझे चीनी थोड़ी सी चाहिए स्वाद अनुसार और काला नमक। इसको मैं इस तरह से बीच हाथों से निकाल लेंगे, ऐसे निकाल के मसल लेंगे। ये सारा मैंने इस तरह से निकाल ली हूँ। इस तरह से हम बीज अलग कर लिया और जामुन अलग कर लिया। अब इसको मैं मिक्सी के जार में पीस लूँगी। ये अब जामुन जो मैंने बीज निकाल के रखा था, इसको एक जूसर में डाल देंगे सारा एक साथ। इस तरह से सारा डाल देंगे। मैंने सारा मिक्सी के जार में डाल दी हूँ। इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके एक गिलास पानी डालेंगे। अब हम मिक्सी के जार को इसको बंद कर लेंगे ढक्कन और इसको पीस लेते हैं। ये मैंने आधा पीस लिया। अभी इसमें चीनी डाल दूँगी। स्वाद अनुसार आप चीनी डालिएगा। मैं थोड़ा चीनी कम डाली हूँ क्योंकि डायबिटीज़ के लिए चीनी नहीं खाना चाहिए। फिर नमक, थोड़ी काली नमक डाल देती हूँ। अब इसको पीस लूँगी। ये हमने पीस लिया इस तरीके से। अब हम एक जार में डाल लेंगे। हमारे जामुन के शरबत बन के तैयार हो गए खाने के लिए। अब हम इसमें थोड़ी सी आइस डाल देंगे। ठंडा ठंडा पीने के लिए मज़ा आ जाएंगे। ये हमारा जामुन के शरबत ठंडा ठंडा तैयार हो गया। आप इसको कभी भी बना के पी सकते हैं। इसको पीस के आप रख सकते हैं फ्रिज में और ठंडा करके पी सकते हैं गर्मी में। अभी इस समय में जामुन काफ़ी है, तो आप बना के कभी भी पी सकते हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने मत भूलिए। बाय।